हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल घर की रसोई। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं गुजरात की फेमस रेसिपी जो है ढोकला। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप बेसन, शुगर, इनो, जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट, सूजी, सॉल्ट, लेमन जूस, टर्मरिक पाउडर और यहाँ तड़के के लिए मैंने लिया है ऑयल, शुगर, कोरिएंडर लीव, करी लीव, हींग, ग्रीन चिली और मस्टर्ड सीड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे और अब इसमें हम एक स्ट्रेनर लेकर के अपने बेसन को छान लेंगे। तो यहाँ पे बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने बेसन को छान लिया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सूजी, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, ऑयल 1 टीस्पून, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से लेंगे, और अब इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़े साइज के नींबू का यूज़ किया है और अब इसमें हम पानी डाल करके इसका एक स्मूथ बैटर बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका बैटर बना लेंगे। तो ये देखिए, तो ये हमारा बैटर बनके रेडी है। तो अब इसको हम ढक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, ताकि हमारी सूजी इसमें अच्छे से फूल जाए। तो तब तक हम अपना पानी गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 2 गिलास पानी लिया है तो इसको अब हम ढक करके रख देंगे गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक केक टिन लिया है, तो केक टिन को पहले हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो इसे मैंने यहाँ पे ग्रीस कर लिया है, अब इसको हम साइड में रखते हैं। तो वापस से हम अपना बैटर लेते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं और यहाँ बैटर हमारा अच्छे से फूल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट। इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको खूब अच्छे से थोड़ा सा फेंट लीजिए। ये देखिए, अब इसको हम साइड में रखते हैं और बगल में ही अपने केक टिन ले लेते हैं, क्योंकि अब जो प्रोसेस हम करने जा रहे हैं उसको हमें फटाफट करना है। तो यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे इनो। तो यहाँ पे मैंने 1 पैकेट इनो का यूज़ किया है। इनो डालने के बाद इसमें हम 1 चम्मच पानी डाल देंगे इनो के ऊपर। ये देखिए इनो फूलने लगा और इसको हम अब फटाफट करेंगे। इसको फटाफट हमें अच्छे से मिक्स करना है, इसे हम एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। तो ये देखिए ये मिक्स हो गया है। अब इसको तुरंत ही हम अपने ग्रीस किए हुए केक टिन में डाल देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रहे, मैं दोबारा से बता रही हूँ कि ये प्रोसेस हमें बहुत जल्दी करना है, नहीं तो हमारा ढोकला जो है फूलेगा नहीं। तो यहाँ मैंने पानी पहले ही गर्म करने को रख दिया था। ये देखिए पानी अच्छे से उबल रहा है। तो अब इसमें हम ये एक इस तरह का स्टैंड रख देंगे।
और स्टैंड के ऊपर तुरंत ही हम अपने ढोकले को रख देंगे। तो ढोकला रखने के बाद इसको हमें ढक करके 20 मिनट तक इसे पकने के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देना है। इसे हम बीच में चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए एक बार अब हमने ढोकले को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ढोकला फूल गया है अच्छे से, और एक नाइफ से हम इसे चेक करेंगे। अगर ये थोड़ा भी चिपकता है, ये देखिए ये थोड़ा सा भी कुक नहीं हुआ अच्छे से, तो इसको हम 10 मिनट के लिए ढक करके और छोड़ देंगे। तब तक हम अपना तड़का यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन गर्म किया है और उसमें हम डालेंगे ऑयल। तो ऑयल को गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, और अब इसमें हम ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड्स। तो यहाँ मस्टर्ड को हम चटकने देते हैं। ये देखिए मस्टर्ड हमारा बहुत अच्छे से चटक रहा है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे हींग। ग्रीन चिली को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो और अब इसमें हम ऐड करेंगे करी लीव। करी लीव को भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। करी लीव को भूनने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। ये देखिए, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून शुगर। तो यहाँ हमें चीनी को सिर्फ घुल जाने तक ही इसे पकाना है, हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है। ये तड़का हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद ही तुरंत ही हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा ढोकला अच्छे से पक कर के रेडी हो गया है। ये देखिए इसने साइड को भी छोड़ दिया है। तो एक नाइफ की हेल्प से हम इसके कॉर्नर को एक बार फिर से अच्छे से छुड़ा लेते हैं, ताकि हमारा ढोकला अच्छे से निकल जाए। तो अब इसके ऊपर हम एक प्लेट रख करके से केक टिन को हम इस तरह से पलट लेंगे। पलट करके ऊपर से थोड़ा सा टैप कर दीजिए, ताकि ढोकला अच्छे से छूट जाए। ये देखिए हमारा ढोकला अच्छे से निकल गया है, ये एकदम परफेक्टली एकदम स्पॉन्जी बना हुआ है। तो यहाँ पे ये बहुत बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो इसको अब हम वापस से दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे, और उसके बाद इसके हम पीसेस कट करेंगे। तो ये देखिए जब मैं पीसेस कट रही हूँ, तो आपको अंदाजा मिल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट है। तो यहाँ पे मैंने ढोकले के पीसेस को कट कर लिया। अब इसके ऊपर हम ना तड़का डालेंगे। तो तड़का डालने के बाद हमारा ढोकला और भी ज़्यादा जूसी और टेस्टी लगने लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सारे तड़के को इस पर डाल दिया है। तो अब ये मैं इसमें से एक पीस आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये बहुत ही स्पंजी और बहुत ही टेस्टी बना है, और साथ ही में बहुत जूसी है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।